हाय फ्रेंड्स, मैं अमन एसपीडी के करेंट अफेयर्स सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। चलिए, पिछले वीडियो में 245 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस कर चुके थे, इस वीडियो में 246 से लेकर आगे डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन से। कह रहा है कि जम्मू कश्मीर के किस जिले के केसर को GI टैग दिया गया है। तो ये जो ज़िला है आपका वो किश्तवाड़ ज़िला है जम्मू कश्मीर का, इसलिए आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। एक चीज़ और याद रखिएगा कि जम्मू कश्मीर के बसौली पेंटिंग को भी 2023 में GI टैग दिया गया है। बसौली पेंटिंग याद रखिएगा, बसौली पेंटिंग, इसको भी याद रखिएगा। ये जम्मू कश्मीर का ही है जिसको GI टैग दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 247 को देखते हैं। भारत ने किस देश के साथ फिर से ई वीज़ा सेवा शुरू कर दी है? तो जो भारत ने किया है वो आपका कनाडा के साथ ई वीज़ा जो है शुरू कर दिया है, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 247 में जो और सब कंट्री हैं जैसे फ्रांस, तो फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस। पेरिस किस नदी के किनारे बसा हुआ है? आपका सीन नदी के किनारे। फ्रांस की अगर मुद्रा की बात करें तो क्या है? यूरो। आइए देख लेते हैं। कह रहा है फ्रांस की राजधानी पेरिस, जो आपका सीन नदी के किनारे बसा हुआ है, इसकी मुद्रा क्या है? यूरो। इटली की राजधानी कहाँ है आपका? रोम। इसकी मुद्रा क्या है? यूरो। इटली की राजधानी जो रोम है आपका, वहाँ FAO का क्या है? मुख्यालय है, याद रखिएगा। अर्जेंटीना की जो राजधानी है वो है आपका ब्यूनर्स आयर्स, इसकी जो मुद्रा है वो क्या है? पेसो। कनाडा की राजधानी आपका कहाँ है? ओटावा। इसकी मुद्रा क्या है? डॉलर, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 248 को देखते हैं। कर आया सैन्य एक्सरसाइज वर्ज प्रहार भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो ये आपका जो सैन्य एक्सरसाइज है वर्ज प्रहार, ये भारत और USA के साथ आयोजित किया जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए और कोई ये देख लेते हैं कि ये जो वर्ज प्रहार है इस बार जो 2023 में आयोजित हुआ है, ये कैमा संस्करण था? 14वां संस्करण। वर्ज प्रहार जो आपका है ये थल सेना का अभ्यास है, याद रखिएगा। भारत और अमेरिका के बीच आयोजित होता है। इस बार जो 2023 में इसका आयोजन किया गया है ये उमरोई मेघालय में किया गया है, याद रखिएगा। अब याद रखिए एक और अभ्यास जो भारत और अमेरिका के बीच होता है, उसका नाम है क्या? कोप इंडिया 2023, याद रखिएगा। ये किस टाइप का अभ्यास है? ये वायुसेना का अभ्यास है। इस बार जो इसका आयोजन 2023 में किया गया है वो अर्जन सिंह क्लाईकुंडा आगरा में किया गया है, अर्जन सिंह क्लाईकुंडा आगरा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 249 को देखते हैं। कह रहा है अटल इनोवेशन मिशन सर्कुलर इकोनॉमी स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया गया है? तो ये जो अटल इनोवेशन मिशन है ये सर्कुलर इकोनॉमी स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के लिए, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी, याद रखिएगा। 250 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 का जो आयोजन है वो कहाँ किया गया? 250 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुजरात, ऑप्शन बी। चलिए कुछ और देखते हैं जो कॉन्फ्रेंस जो आयोजित हाल ही में हुए हैं। देखिए आपका जो 26वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन जो है ये 2023 में, इसका आयोजन इंदौर MP में किया गया है, याद रखिएगा। G20 का जो एम्पायर शिखर सम्मेलन है इसका आयोजन गांधीनगर के गुजरात में किया गया है। उसी तरह से जो 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव है 2023, इसका आयोजन ये हुबली में किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 251 को देखते हैं। करा इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ये जो बने हैं आपके ये वीर दास बने हैं, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। उसके बाद ये 252 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं। करा श्रीलंका के त्रिकुमाली में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का उद्घाटन किसने किया है?
ये जो किया गया है ये निर्मला सीतारमण के द्वारा किया गया है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, इसलिए आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 253 को देखते हैं, कर आय कि 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया। तो ये जो आयोजन इसका किया गया है 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का, वो आपका गोवा में किया गया है, इसलिए आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को देख लेते हैं। कह रहा है कि इस बार तो ये तो आपको पता है कि 54वां था, इसका आयोजन गोवा में किया गया। इसमें जो वेस्ट फिल्म है उसका अवार्ड जो है इंडलेस बॉर्डर्स को दिया गया है, ये एक ईरानी मूवी है, याद रखिएगा। बेस्ट वेब सीरीज का पुरस्कार जो है ये पंचायत सीजन 2 को दिया गया है, ये भी याद रखिएगा। भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए विशेष पुरस्कार माधुरी दीक्षित को दिया गया है। और एक और ये क्वेश्चन है, ये सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से जो है माइकल डगलस को नवाजा गया है, ये आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, याद रखिएगा। 254 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, कर ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 का टाइटल किस टीम ने जीता। तो ये जो जीता है आपका, वो आपका ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया ही के खिलाड़ी हैं, उन्हीं को मिला है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023, और देख लेते हैं इससे रिलेटेड फैक्ट्स को। कह रहा है कि पुरुष क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है पैट कमिंस, जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, इन्हें मिला है। पुरुष वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर ये विराट कोहली को दिया गया है, जो भारत के खिलाड़ी हैं। उसी तरह से पुरुष टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर जो है उस्मान ख्वाजा को दिया गया है, ये आपके ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हुए। उसी तरह से एक और है, पुरुष T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव को दिया गया है, ये भारत के खिलाड़ी हैं। 255 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, कर आए कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया। तो ये जो किया गया है ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और भारतीय प्रशिक्षित नर्स एसोसिएशन, ये दोनों को मिला है, इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022 आया है, तो 2023 को भी देख लेते हैं। ये जो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 है ये डेनियल वेरेनबोइम को और अली अबू अवाद को दिया गया है, याद रखिएगा, डेनियल वेरेनबोइम और अली अबू अवाद, याद रखिएगा। 256 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, कर आए कि वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज कौन बने हैं। 256 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो शाहीन अफरीदी बने हैं, ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 257 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, कह रहा है कि ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है। 257 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो विराट कोहली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 258 को देखते हैं, कह रहा है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित किया गया। 258 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो फरीदाबाद में इसका आयोजन किया गया है, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखिए एक और याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, अभी हाल ही में यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का जो आयोजन है वो कहाँ किया गया है, लखनऊ में किया गया है, इस फैक्ट्स को भी चलिए देखते हैं। 259 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई ड्राइव करने वाली पहली महिला कौन बनी है। तो ये जो बनी है ये शीतल महाजन बनी है, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 260 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, कह रहा है कि भारतीय रेलवे की वन स्टेशन वन प्रोडक्ट पहल अब कितने स्टेशनों पर चालू है। ये जो चालू है ये 1037 स्टेशन पर चालू है, इसलिए आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।